हेलो बच्चों, क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 के लिए एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। एक मिनट में सीख जाओगे और न्यूमेरिकल में एकदम फोड़ दोगे, आग लगा दोगे। बस इस फॉर्मूले को लिख लेना कॉपी में, ठीक है? चलो सीखते हैं। क्वेश्चन उसने बोला है, इफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ऊपर क्या लिखा मैंने पढ़ा ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये दिखाई दिया, व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। जब भी ऐसा सवाल आए, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4, मतलब अगर वो एक एटम का मास पूछे या एक मॉलिक्यूल का मास पूछे, आपको फॉर्मूला लगाना है, मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। अब उसने क्या पूछा, वन एटम ऑफ कार्बन का मास, वन एटम ऑफ कार्बन का मास, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। थैंक यू।